आजकल हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत लेसन 13 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम होगा एमीन। और आज मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वीडियो नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा एमीन पाठ का नाम है, लेकिन आज हम लोग पाठनिहित प्रश्न को हल करने के लिए जाएंगे। तो आइए पाठनिहित प्रश्न में एक के पास हम लोग चलते हैं। तो जो प्रश्न एक है वह कहता है कि निम्नलिखित एमीन को प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में आपको छांटना है। समझे बात को? यानी जो प्रश्न कहता है ना, प्रश्न में आपको प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन के बारे में छांटना है। चलिए आपको एक बात बता दें कि अगर किसी भी एमीन के साथ, एमीन कोई भी है, अगर उसके एन के साथ केवल एक आर जुड़ा होगा तो उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक एमीन। और यदि किसी एन के साथ दो अगर एल्किल जुटा होगा, दो आर जुटा होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक एमीन। और किसी, आपको मैं एक बार फिर कहता हूँ कि एन है इसके साथ केवल एक आर होगा तो प्राथमिक एमीन, एन है अगर इसके साथ दो आर होगा तो द्वितीयक एमीन, एन होगा इसके साथ तीन आर होगा तो तृतीयक एमीन हम लोग कहते हैं। यह बात हम लोग जान गए। अब यहाँ से आप देख करके बताइए कि कौन सा एमीन होगा। ठीक है, ये देखिए यह बेंजीन है, यहाँ पर आपका NH2 लिखा है। अच्छा, इस एन के साथ कितने कार्बन जुड़ा है? एक ही तो है। इस एन के साथ एक ही कार्बन है ना। अब इस कार्बन से जितने कार्बन है उसे क्या मतलब है, एन के साथ कितने कार्बन है ये मतलब है। तो इसको हम लोग प्राथमिक एमीन कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है प्राथमिक एमीन। तो जो पहला आंसर होगा उसको हम लोग प्राथमिक एमीन कह सकते हैं। अच्छा, ये जो आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एन है इसके साथ, देखिए यहाँ पर भी, अच्छा एन है तो CH3 का ट्वाइस दिया है, बात समझिएगा। देखो अगर इसको संरचना बनाते हैं कि यहाँ पर CH3 है तो एक यहाँ पर CH3 ट्वाइस है, नहीं तो एक ऊपर CH3 के नीचे भी, तो तृतीय का एमीन हो जाएगा। इस एन के साथ तो ये एल्किल जुटा CH3 है ना, तो एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे CH3, तो ये आपका क्या आ जाएगा, तृतीय का एमीन हो जाएगा। समझना, जब तीन आर ग्रुप जुट गया है तो हम उसको क्या कहेंगे, तृतीय एमीन कहेंगे। अच्छा, थ्री नंबर जो क्वेश्चन है, C2H5 2CHNH, ओके इस एन के साथ एक ही तो है एल्किल, कितना भी लंबा उसे क्या मतलब है, समझिए बात को। तो उसके साथ मात्र एक ही आपका एल्किल जुड़ा है तो इसको भी हम लोग कहेंगे प्राथमिक एमीन। तीसरा जो क्वेश्चन आपको बताना था कौन सा एमीन है, तो आप उसको भी कह सकते हैं कि ये प्राथमिक एमीन है। अच्छा, चार नंबर आप देख रहे हैं C2H5 को ट्वाइस NH, ओ इसके साथ तो दो, ट्वाइस का मतलब होता है इसी एन के साथ एक 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 ऊपर जुटेगा तभी तो दो होगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर H2 होता है, तो इस तरीके से आप जो चार नंबर है उसको हम लोग बता सकते हैं कि वह द्वितीयक एमीन है। तो इस तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन के बारे में बता दिए। क्वेश्चन नंबर अब 13.2 है, जिसमें पहला अणु सूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समयोई एमीनों की संरचना बताइए, कितने माने इसकी संरचना हो सकती है। देखिए एक चीज़ बताते हैं ना, इसकी संरचना कम से कम तीन हो सकती है। ये क्या है, चार को सी चाहिए ना, तो चार को सी लिख दीजिए और इसके साथ एच जोड़ दिए, तो H3H2H2H2N H2 ब्यूटेन 1 एमीन होगा, याद नाम है ना। और चार कार्बन है तो ब्यूटेन लिखेंगे, वन पर एमीन जुड़ा है तो 1 एमीन आप लिख सकते हैं, तो ब्यूटेन 1 एमीन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को ना। तो इस तरीके से अगर पूछा जाता है तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा, नीचे आप देख सकते हैं कि कहता है कि एक तो ये हुआ, एक आपका ये भी बन सकता है, यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा, और आप चाहें तो एक ये भी बना सकते हैं CH3CH NH2CH3CH3, देख लीजिएगा। यानी इसकी जो हो रही है आपके तीन संरचना बन रहा है। समयोग का मतलब कितना होता है, कितना अधिक से अधिक, सूत्र तो वही रहना चाहिए, सूत्र में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन कितना आप अधिक से अधिक बना सकते हैं उसको आपको दिखाना होता है। समझ रहे हैं बात को? तो आप उसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और बता भी सकते हैं कि हाँ, जो आपके C4H11 और जो एन है उसकी तीन संरचना हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद से तो समयोग का मतलब समझे, जितनी उसकी संरचना आप बना सकते हैं
उसी को हम लोग समयोग कहते हैं। तो ये बात जब पूछा जाता है तो इसको भी हम लोग बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि सभी समयोग के आईपीएससी नाम लिखिए। तो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि जितने समयोगी हैं उसका आईपीएससी नाम लिखना है। तो पहला ब्यूटेन 1-एमीन हो गया, दूसरा 2-मेथिल प्रोपेन 1-एमीन। कहा कि इधर NH2NO तो 1 और 2, दूसरा नंबर पे ये शाखा है तो 2-मेथिल लिखेंगे, या फिर 3 कार्बन हो रहा है तो प्रोपेन, और पहला कार्बन पे NH2 हुआ तो 1-एमीन, तो 2-मेथिल प्रोपेन 1-एमीन। फिर आपका CH3, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, NH है तो पहले 2-मेथिल देख रहे हैं ना आप, इसको चाहें तो 2-2-डाई-मेथिल लिखते हैं, 2-2-डाई-मेथिल। अच्छा चलिए ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो सही है। चलिए इस कार्बन के साथ जुटा है ना तो 2-मेथिल लिख लीजिए, और बाद से प्रोपेन, 3 कार्बन है प्रोपेन, तब 2-एमीन इसलिए क्योंकि दूसरे कार्बन इधर से भी काउंट करिए, दूसरा पर आपका आ रहा है इसलिए। चलिए तो ये भी बता सकते हैं। अच्छा समय विभिन्न युगों द्वारा कौन से प्रकार की समयावता प्रदर्शित होता है, समयावता का नाम बताना, ठीक है। तो समयावता का नाम है श्रृंखला समयावता प्रदर्शित होता है लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो क्रियात्मक समूह है वो बदल रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि श्रृंखला समयावता प्रदर्शित होता है। चलिए क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3.3 के पास हम चलते हैं। तो 3.3 क्वेश्चन के पास चलते हैं, और क्वेश्चन 3.3 कहता है इसमें कि आप निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे, बेंजीन से एनिलीन बनाना। तो पहले आप देख रहे हैं बेंजीन से एनिलीन बनाना, दूसरा आपका जो है कहता है कि बेंजीन से N-N-डाई-मेथिल-एनिलीन बनाना, ठीक है। और तीसरा जो है ना Cl CH2 का 4, फिर आपका दिया है Cl से Hexane 1.6-डाई-एमीन बनाना। तो जैसे से कह रहा है वैसे हम लोग बनाएंगे, पहले बेंजीन से N-N-डाई-मेथिल-एनिलीन बनाना, फिर Cl CH2 का 4, फिर Cl से Hexane 1.6-डाई-एमीन बनाना। तो बेंजीन से एनिलीन बनाते हैं, आइए देखिए है ये ना बेंजीन का सूत्र, नहीं बनाना तो आपको NH2 चाहिए ना, तो इसकी क्रिया HNO नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो नाइट्रो बेंजीन बनेगा, फिर इसकी क्रिया HCl से करा देंगे तो एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आसान है, दूसरा नंबर क्या कहता है कि बेंजीन से N-N-डाई-मेथिल-एनिलीन, बेंजीन है इसकी क्रिया HNO3 से कराएंगे तो नाइट्रो बेंजीन बनेगा, फिर SNHCl है इसकी क्रिया एनिलीन से करा दीजिएगा NH3 से तो NH2 बनेगा, फिर CH3 I की क्रिया से कराएंगे तो NCH3CH3 से आपका बन जाता। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका जो कह रहा है Cl CH3 CH2 का 4 Cl से Hexane 1.6-डाई-एमीन बनाना, तो Cl CH2 का 4 और Cl+KCN से क्रिया करा देंगे तो CnCH2 का 4 Cn, फिर आप H2 और PTA की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे तो इस तरीके से NH2CH2 का 6 NH2, इसी को कहते हैं 1,6-डाई-एमीन बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 के पास चलते हैं, कहता है कि निम्नलिखित को उनके बढ़ते हुए क्षारकीय प्रबलता के क्रम में लिखिए। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित को उनके बढ़ते हुए क्षारकीय प्रबलता के क्रम में लिखिए, माने क्षारकीय प्रबलता के क्रम में बढ़ते हुए सबसे कम जो क्षारकता के गुण को प्रदर्शित करेगा सबसे पहले लिखेंगे, उससे जो अधिक होगा उससे आगे लिखेंगे, उससे जो अधिक होगा फिर उसके आगे लिखेंगे, इसी तरीके से हम लोग बढ़ाते चलेंगे। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से इसको दिखाना है, C2H5NH2, फिर C6H5NH2, फिर NH3 अमोनिया पे C6H5CH2NH2, और फिर C2H5NH2, और दूसरा तीसरा आपके तीन ग्रुप दिए गए, 3 सवाल इसमें है। तो चलिए हम हल करके देख लेते हैं, आइए। तो क्षारकता के गुण को बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे कम आपका बेंजीन वाला होगा, याद करो मैंने आपको बताया था कि बेंजीन जो एनिलीन होता है या इसी गैनिलीन कहते हैं, तो C6H5 सबसे कम, उससे अधिक थोड़ा सा आपका किसका होता है अमोनिया को होता है, इसमें कार्बन की संख्या CH2 बढ़ रहा है तो इसका अधिक होगा, और C2H5NH2 का एथिल का उससे, और भाई शाखा में तो सबसे अधिक इसी का होगा। इसी तरीके से जो दूसरा है उसका भी क्षारकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो C6H5NH2
फिर इसके आगे सी टू एच फाइव एन एच टू, फिर सी टू एच फाइव का थ्राइस एन, फिर सी टू एच फाइव का ट्वाइस एन एच, इसी तरह से तीसरा सबसे कम, फिर वही बात होगी एनिलीन की होगी, सी सिक्स एच फाइव एन एच टू, फिर सी सिक्स एच फाइव सी एच टू एन एच टू, फिर आपसे इससे अधिक सी एच थ्री का थ्राइस एन, उससे अधिक सी एच थ्री एन एच टू, उससे अधिक सी एच थ्री का ट्वाइस एन एच होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 13.5 में लिखिए, तो अम्ल क्षारक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तथा उत्पाद का नाम लिखिए। पहला दिया सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन एच टू प्लस एच सी एल से क्रिया करा रहे हैं। दूसरा आपका आया सी टू एच फाइव का थ्राइस एन एच सी एल से क्रिया करा रहे हैं, तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। अच्छा, पहला जो है ना सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन एच टू एच सी एल से क्रिया करा रहे हैं, देखिए सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन एच थ्री हो जाएगा। एन एच थ्री क्यों, एन एच टू तो है, एच इसके साथ आ जाएगा तो एन एच थ्री हो जाएगा, देख रहे हैं ना, एक प्लस और सी एल पर एक माइनस, नाम होगा एन प्रोपाइलिनियम क्लोराइड। बात समझना, एक एच इसके साथ चला जाएगा तो एन एच थ्री के ऊपर एक प्लस एक सी एल हो जाएगा। चलिए दूसरा आपका जो है कह रहा है सी टू एच फाइव के सी टू एच फाइव के पावर थ्री एन प्लस एच सी एल है, इसका जो आप लिखेंगे सी टू एच फाइव के थ्राइस होंगे, एक एच इसके साथ चला जाएगा तो एन एच के ऊपर एक प्लस और सी एल पर माइनस, नाम होगा एन ट्राई एथिल अमोनियम क्लोराइड। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर आप 6 के पास हम चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि सोडियम कार्बोनेट विलयन की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड के अधिक द्वारा एनिलीन के एल्किलन में उत्पन्न होने वाले उत्पादों के लिए अभिक्रिया लिखिए। एल्किलन याद है ना, हमने आपको बताया था कि जब एमीन की क्रिया एल्किल हाइलाइट से कराया जाता है तो इसी को हम लोग एल्किलन कहते हैं। ये आपसे पूछा जाता है तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो इसी को हम लोग एल्किलन कहते हैं। तो जब भी एल्किलन की बात कहता है तो आप इसको बता सकते हैं, देखिए किस तरीके से एनिलीन है, इसकी क्रिया आप किससे करा रहे हैं, सी एच थ्री आई से करा रहे हैं, तो कराने से कहा होगा, जरा देखिए कराएंगे तो एन एच सी एस थ्री बेंजीन आपका रहेगा, और फिर जो होगा आपका सी एस थ्री आई रहेगा और एच आई रहेगा तो एन सी एस थ्री का ट्वाइस ये बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो एन ए के ऊपर प्लस सी एस थ्री के थ्राइस पर माइनस, फिर आगे एन ए टू सी ओ थ्री से कराएंगे तो ये बेंजीन रहेगा एन सी एस थ्री के थ्राइस, वो नाम होगा ट्राई मेथिल, तीन को बने इसीलिए ट्राई मेथिल एनिलीनियम और हाइड्रॉक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपसे कहता है कि एनिलीन को बेंजाइल क्लोराइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न उत्पादों का नाम लिखिए। एनिलीन है, इसकी क्रिया बेंजाइल क्लोराइड है ना, तो सी एल सी ओ, याद करो बेंजीन सी ओ सी एल है, बेंजाइल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जो बनेगा एक बेंजीन है, फिर एन एच फिर सी ओ फिर बेंजीन लाइड आपका बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 18 के पास हम चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अणुसूत्र सी थ्री एच नाइन एन से प्राप्त विभिन्न समयों की संरचना लिखिए और उन समयों के आईओ पी एस सी नाम लिखिए जो नाइट्रेस अम्ल के साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं। समझ रहे हैं, तो इसके कितने समय होंगे, देखिए क्या सी थ्री एच न और यन है न, तो देखिए कौन कौन इसके नाम होंगे उसको हमें दिखाना है। तो एक तो होगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन एच टू, इसका नाम आप पढ़े भी होंगे प्रोपेन वन एमीन आप लिख सकते हैं, और दूसरा जो आप देख रहे हैं सी एच थ्री सिंगल वन सी एच इसके ऊपर एन एच टू फिर आपका सी एच थ्री, इसका जो नाम होगा लिख ही सकते हैं वन टू थ्री, तो पहले आप प्रोपेन और टू एमीन लिख दीजिएगा, फिर सी एच थ्री एन सी एच टू सी एच थ्री ये भी होता है, चार नंबर जो देख रहे हैं सी एच थ्री एन सी एच थ्री सी एच थ्री होता है, और आप इसमें कुछ और पूछा है तो उसको भी लिख सकते हैं क्योंकि एक चार समय में केवल वन और सेकेंड प्राथमिक एमीन है जो नाइट्रेट अम्ल से क्रिया करके एन टू उत्पन्न करते हैं, यानी ये और ये दोनों प्राथमिक एमीन है क्योंकि इस सी एन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा है, बाकी सब द्वितीयक एमीन है वह नाइट्रोजन जो द्वितीय के मीन होता है नाइट्रोजन का अलग नहीं। ओके, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है 13.9। निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए थ्री मेथिल एनिलीन से, अरे
तो आप इसमें 13.9 में निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए। पहला कहता है कि 3-मेथिल एनिलीन से 3-नाइट्रोटाल्विन आपको प्राप्त करना है। दूसरा है एनिलीन से 1-3-5-ट्राइब्रोमोबेंजीन प्राप्त करना है। तो 3-मेथिल एनिलीन से 3-नाइट्रोटाल्विन ये आपका आयन हो, एनिलीन है CH3 दिखा देंगे और Na(NO2) की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो देखिए ये बनेगा बेंजीन N2 को प्लस Cl पर माइनस CH3, फिर HBF4 से क्रिया कराएंगे N2 प्लस और BF4 पर माइनस फिर CH3, फिर Na(NO2) इसकी क्रिया कराएंगे तो NO2 और CH3 पर ही आपका प्राप्त होगा। इसी तरीके से दूसरा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सब आपको नाम देख रहे हैं ना, 1-3-5-ट्राइब्रोमोबेंजीन, तो 1-2-3-4-5, तो 1-3-5-ट्राइब्रोमोबेंजीन हो जाए। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है ना तो इसको बता सकते हैं। उसके बाद से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। धन्यवाद।